आदिवासी बहुल क्षेत्र मेघाट मध्ये व्याघ्र विभागाकडून मेघाटातील मूळ निवासी आदिवासीवर वेळोवेळी अत्याचार केल्याची प्रकरणे अधूनमधून समोर आली आहे। असेच एक कळबळजनक प्रकरण अकोट वन्यजीव अंतर्गत येणाऱ्या वन परिक्षेत्राच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी धुळघाट रेल्वे येथील रहिवासी अंकुश मावसकर याला गरम लोखंडी सलाखीने बेदम मारहाण केल्यानंतर उघडकीस आले होते। घटना ही अत्यंत निंदनीय असल्यामुळे मेघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी सदर घटनेचा निषेध करून संबंधित व्याघ्र विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत मागणी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी पत्राद्वारे केली आहे। मेघाट सारख्या आदिवासी बहुल क्षेत्रामध्ये जर आदिवासींवर असल्या प्रकारचे अन्याय होत असेल तर मग आम्हाला आमदार राहून काही फायदा नाही, अशा शब्दात आमदार राजकुमार पटेल यांनी मुख्यमंत्र्यांना आवर्जून सांगितले। तर दुसरीकडे आमदाराच्या तक्रारीला अनुसरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले असून दोषींवर कारवाई करण्याबाबत सुद्धा सांगितले आहे। पीडित अंकुशचे वडील गोरेलाल मावसकर यांनी शनिवारी सकाळी मेघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांच्यासोबत धारणी पोलीस स्टेशन येथे आपली रिपोर्ट दाखल केली। गोरेलाल मावसकर याच्यासोबत दुर्गा रेल्वेचे सरपंच रामभाऊ भिलावेकर, राणीगावचे सरपंच लक्ष्मण भिलावेकर व असंख्य आदिवासी व गैर आदिवासी नागरिक उपस्थित होते। व्याघ्र विभागाच्या क्षेत्र संचालिका ज्योती बॅनर्जी यांनी सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याकरिता चौकशी समिती नेमली असून सदर समितीमार्फत सर्व बाजूंनी चौकशी केली जात आहे। वन परिक्षेत्रातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची तीव्र शक्यता मेघाटात वर्तवली जात आहे। सदर कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा व्याघ्र विभागातील अधिकारी कर्मचारी मेघाटच्या मूळ निवासींवर असल्या प्रकारचे अन्याय करणार नाही हे मात्र नक्की। दुलघाट रेल्वे के तीन आदिवासी भाई है, बारिश वाले का कहना ऐसा है कि ये मच्छी पकड़ने गए हैं वान डैम में। अब ये वान डैम में मच्छी पकड़ने गए हैं, ठीक है, इन्होंने गलती किया, मैं कबूल करता हूँ। अगर टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर किसी प्रकार के अनैसर्गिक कृत्य करना अगर गलत है तो टाइगर प्रोजेक्ट वाले ने उनको पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उनके ऊपर केसेस करना चाहिए। और बाद में सही क्या है और झूठ क्या है इसका सहा निशा कोर्ट करेंगे। अब इन्होंने दो जने को पकड़ लिया और एक जने को इतना बेरहमी से मारा कि गर्म किए हुए सलाख से मारा। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया हूँ, ऐसा ही इन्होंने किया है। मैं उसी समय शाम में मैं धारणी पहुँचा हूँ और धारणी पहुँचने के बाद में मैं वो पेशेंट को भी देखा हूँ। देखने के बाद में मैं मेरे पीए को बोला कि भाई एक पत्र बनाओ, ऐसे ऐसे मैटर है। उन्होंने पत्र बनाया, मैटर बना के दिया। मैं सीएम साहब को डायरेक्ट भेज दिया वहाँ पर और उनको बताया कि मैंने बोला अगर हमारे आदिवासी के ऊपर अत्याचार करेंगे और तो हम फिर ऐसी आमदार के पद में रहने की फिर हमारी लायक ही नहीं है, मैं ये समझता हूँ। तो उन्होंने तुरंत बिल्कुल एक्शन लिया भी और कल वहाँ के तीन सदस्य कमेटी आ गए तपास के लिए और वो चौकसी करने कल आकोट डिवीजन के लिए निकल पड़े। मेरी शासन से यही विनंती है कि जो अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने ऐसे गलत कृत्य किए उनके ऊपर शासन होना ही चाहिए। शासन नहीं बल्कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उनको बिल्कुल निलंबित करना ये कोई ये नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल डिसमिस होना चाहिए, ऐसी मेरी एक विनती। तस्मीन शेख सह सुलेमान मेमन, जुगल किशोर जयसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।